हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम आए हुए हैं, मैं और भाई साथ में है। पीछे वो वर्कआउट में लगा हुआ है, अगर दिख पा रहा होगा तो ठीक है। क्योंकि क्या है, हम दोनों मार रहे हैं, मारेंगे हमने, मतलब मारनी है फ्रांस की आर्मी की ट्रेनिंग। ठीक है, तो देखते हैं एक हफ्ते तक मे बी हम वहाँ चले जाएं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि अपने यहाँ फ्रांस में इंडिया की तरह जैसे हाइट वगैरह नहीं देखते, नॉर्मली दीजिए। ठीक है, जो नॉर्मली दीजिए वही चीज़ देखते हैं, थोड़ी बहुत दौड़ करवा के देख लेंगे और बाकी पुशअप वगैरह और भी बहुत कुछ। ठीक है ना, बहुत कुछ देख लेंगे। तो बाकी मैं भी मतलब यहीं आया हूँ, वहीं तो आके मैं भी थोड़ी बहुत अपना प्रैक्टिस वगैरह करके अभी फ्री हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर में और मरूंगा तो बाकी वो भी दिखाऊंगा आपको। अभी तक मैंने 50 प्लस 30 वो सब मार चुका हूँ, 80 हो गए टोटल। फिर 50 मारे, फिर 30 मारे, फिर चिन अप भी किए मैंने 15, फिर 10। पक्की अभी और भी मार के दिखाऊंगा आपको, जितने भी लगेंगे। तो बाकी आप भी मतलब सर्च करना, जैसे कि हम फ्रांस को, ये नहीं है कि अपने पास फ्रांस के वीजा होना चाहिए। वीजा अपने पास कहीं का भी हो, शेंगन वीजा हो, अपने पास जैसे एक नॉर्मली पासपोर्ट होना चाहिए और कुछ नहीं मांगते हैं। ठीक है, पासपोर्ट हो आपके पास, पासपोर्ट लेके ठीक है, अपना यहाँ पे एक पेरिस के अंदर ही है आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, आर्मी सेंटर है, वहाँ पे आप जाओ। ठीक है, आपकी तैयारी है तो वहाँ जाओ, अपना ट्रेनिंग दो। कुछ नहीं पूछते आपसे कि आप कहाँ के हो, क्या नहीं है, बस आपका पासपोर्ट होना चाहिए। वहाँ से पासपोर्ट मांगते हैं, वीजा नहीं चेक करते आप लोगों का। और मतलब इनकी जो मतलब सैलरी का अभी कुछ कन्फर्म नहीं है कि स्टार्टिंग में कितनी देंगे। फिलहाल इनकी ट्रेनिंग चलती है, वो भी मैक्सिमम, बाकी जो ऑनलाइन में चेक किया कि 4-5 मैक्सिमम दिखाते हैं, इतना मिलना मिलने जो भी मिलने दिखाते हैं। ट्रेनिंग चलेगी जब तक आपकी, तो उसके बाद देखते हैं क्या रहेगा। बाकी फिलहाल हम दोनों लगे हुए हैं तैयारी के लिए, देखते हैं जो भी होएगा। एक भाई और है, वो हमसे थोड़ा मतलब पेरिस के अंदर ही है, थोड़ी दूर रहता है। जो स्टार्टिंग में हमसे आपको मैंने दिखाया था, अमन नाम उनका, तो वो भी जाएंगे। फिर हम लगे हैं तैयारी में, क्योंकि अगर हम एक बार यहाँ आर्मी में सेलेक्ट हो गए इंडिया में, तो चलो हमने ट्राई भी नहीं किया, कुछ भी लगा लो। बाकी यहाँ की जो आर्मी है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, वहाँ से भी वहाँ के लोग मतलब लोग यहाँ पे स्पेशल फ्रांस में आर्मी में सेलेक्ट होने के लिए बहुत से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रांस में मतलब आपको बहुत मिलेंगे, अपने यहाँ के इंडिया लगा लो, पाकिस्तान लगा लो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, पक्की यूरोप के भी बहुत से दुनिया मिलेगी आपको। वहाँ जाके आपको अगर अलाउड हुआ, वैसे तो मेरे को लगता कि अलाउड होगा, क्योंकि क्या है कि वो उन्होंने मतलब नेट पे डाल रखा है कि बाकी लोगों ने बताया कि 3-4 महीने तक तो फोन भी नहीं देते वो। ठीक है, ट्रेनिंग ही चलती है, घर पे भी पता नहीं बात कैसे होगी कैसे नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता। ठीक है, फिलहाल मैंने घर पे बात कर ली है कि ऐसे करके ट्रेनिंग मार रहा हूँ, उसके बाद जैसे भी होएगा तो बता दूंगा उनको। मतलब जैसे भी मेरे को बात करने का मौका मिलेगा घर पे, जैसे भी होगा, मुझे खुद नहीं पता कि मैं मतलब वहाँ आगे की लाइफ कैसी होगी 3-4 महीने की। उसके बाद की तो अगर सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग होगी प्रॉपर, उसके बाद तो अच्छी है लाइफ, कहते हैं यहाँ पे लाइफ भी अच्छी है। ठीक है, उसके बाद पेपर वगैरह उनके आगे मिल जाएंगे, नेशनलिटी मिल जाएगी 5-5 सालों में, जैसे भी होगा। और फिलहाल के लिए इतना ही है, बाकी मेन तो आपको वहीं जाने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर मेरी उन दिनों में, 2-3 महीनों में, 1 महीने में, 4 महीने में, जैसे भी मेरी वीडियो नहीं आई, तो उसके लिए समझ चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि तो जैसे भी आपका भाई फ्रांस के आर्मी में सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेता है, तो उसके बाद सीधा वहीं से निकल के 3-4 महीने बाद, जैसे भी होगा, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा आर्मी बन के। आपको सीधा फिर आर्मी, एक वन मैन आर्मी ही मिलेगा। ठीक है, बाकी उम्मीद है मेरा भी, मतलब इस टाइम ये सोच रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ठीक है मेरी ट्रेनिंग हो,
ठीक है, मैं अपना तैयारी करूँ, जल्दी से जल्दी वहाँ जाऊँ, सिलेक्ट हो जाऊँ और फिर ट्रेनिंग भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत ना हो। आप सब भी ये दुआ करना कि आपका भाई, ठीक है, हरियाणा वाला, इंडिया वाला, फ्रांस में भी, मतलब फ्रांस में लगा लो, अपने पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में नाम कमाए, अपना हरियाणा, अपना इंडिया ऊपर चले, टॉप पे चले। ठीक है, जैसे ही पीछे भी फ्रांस वालों ने अपनी इंडियन आर्मी को बुलाया हुआ था परेड के लिए, वैसे भी तो उनको भी थोड़ा, मतलब ये हो कि हाँ, कोई इंडिया का, इंडियन का बंदा, इंडिया बंदा हमारी आर्मी में ज्वाइन हुआ है। ठीक है, पक्की कैब तो वहाँ पहले भी हो, मुझे कंफर्म नहीं है इस बारे में, कुछ होंगे इंडियन भी होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही बंदा जाऊँगा। उम्मीद है कि मिलेंगे अपने इंडियन भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे इंडियन आ गए यहाँ पे, नॉर्मली कामों में लगे हुए हैं। ठीक है, आर्मी पक्का कोई ना कोई तो मिलेगा ही। तो जो भी मेरे भाई बंधु इस टाइम वहाँ है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इतनी बहुत जल्द मैं भी आप लोगों के पास आने वाला हूँ। उनको मैं, अगर वो वीडियो देखेंगे तो उनको भी मतलब थोड़ा सुकून मिलेगा कि एक भाई और इंडियन हमारा आ रहा है हमारे पास। ठीक है, फ्रांस आर्मी में ज्वाइन होने के लिए। तो फिलहाल मैं करता हूँ थोड़ी सी तैयारी, थोड़ा मैंने बहुत सांस, बहुत गैप ले लिया, बहुत सांस ले लिया, 5 से 6 मिनट की तो वीडियो बन गया। तो अब मैं थोड़ी करता तैयारी, वो भी दिखाऊंगा आपको, पुशअप वगैरह मारूंगा, क्लीन अप भी करूंगा, उसके बाद फिर जाएंगे हम घर पे। ठीक है, बाकी मशीनें हैं ऑलमोस्ट, मतलब नॉर्मली जैसे चीजें होती हैं, नॉर्मली जो लगी होती हैं। बाकी मैं बैक कैमरा में इसलिए आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि इसकी जो बैक कैमरे की क्वालिटी है, मुझे खुद नहीं अच्छी लगी। इस फोन की बैक कैमरे की क्वालिटी नहीं है, फ्रंट कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर मैं ड्यूल ड्यूल मोड में भी अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा ना, आप पुरानी वीडियो देख लेना, उनमें भी आपको पता चल जाएगा सामने का और बैक का व्यू कैसा रहता है कैसा नहीं। तो मुझे तो बैक कैमरा इसका अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। ठीक है, ड्यूल वीडियो मोड के साथ सिंगल में तो चलेगा ये, सिंगल मोड अगर हम सिंगल कैमरा चलाएं, हम पीछे वाला बैक कैमरा, फिर तो इसकी क्वालिटी ठीक है। बट जो मेरा पहले फोन था MI का Note 10 Pro Max, उसकी तो क्वालिटी आप लोगों ने देखी होगी वीडियो में, आप देखते होंगे पहले की जो वीडियो आई होगी, ड्यूल वीडियो में भी कैसी है कैसी नहीं, कितनी अच्छी क्वालिटी आती है दोनों कैमरों की, फ्रंट के साथ साथ बैक की भी। और वो तो और तो वो 1080 में बनाता है वीडियो, ये 720 में बनाता है ड्यूल वीडियो। ठीक है, और उसकी जो सिंपल वीडियो 4K में है, इसकी सिंपल वीडियो 1080 में ही है। तो फिलहाल चलो मैं थोड़ा तैयारी भी कर लूँ। ठीक है, ऐसे तो वीडियो चलती रहेंगी, बनाते रहेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा मेरे को भी देख लो तैयारी करते हुए। ठीक है, बाकी अगर किसी को अगर यहाँ ज्वाइन ही करना हो फ्रांस में आर्मी के लिए, तो हम उससे पूछ सकते हैं, और कुछ और भी जानकारी अगर लेनी हो कि कैसे कितने कहाँ पे वो एरिया पड़ता है फिलहाल, क्योंकि इस टाइम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं उनको जरूर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि 1-2 दिन में मुझे पता चल जाएगा जैसे भी होएगा। तो फिलहाल और भी कुछ आर्मी से रिलेटेड होगी, या फ्रांस में कैसे आना हो आर्मी के लिए, कैसे क्या क्या तैयारियां करनी है, वैसे तो गूगल पे सब कुछ है, बट फिर भी ना समझ आए, मैं आपका भाई, ठीक है, आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो मुझे कोई मतलब कुछ भी अगर हो तो मुझे जरूर बताना। बाकी हम थोड़ी सी मेरी वीडियो भी देख लो। तो गाइज अब मैं भी थोड़ा वरना कर लेते हैं तैयारी। ठीक है, उसको सब मार लेते हैं, पहले देखते हैं कितने लगते हैं। हाँ चुके हैं, मतलब आज के टोटल मिला के 40, 30 और 30 110 हो चुके हैं। तो क्या मुझे मारने है चिनअप, थोड़े से चिनअप भी मार लेता हूँ, थोड़ा सांस ले लूँ। हाँ बाकी किसी भी भाई को अगर कुछ भी जानकारी लेनी हो, ठीक है, अपने एब्रॉड के बारे में भी, तो
फिलहाल मुझे पूछ सकते हैं, जब तक मैं अपना आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाऊंगा उससे पहले, क्योंकि उसके बाद मेरे पास फोन ही नहीं होगा। ठीक है, फोन रख लेते हैं, वो अपने पास जमा कर लेते हैं, मतलब कुछ भी लाड नहीं होता, फोन, लैपटॉप, टैबलेट, कुछ भी चीज, कोई भी नुकीली चीज, सिर्फ कपड़े, अपना खाने पीने का, जूते वगैरह, और बस नॉर्मली नहाने के लिए टॉवल वगैरह जो भी कुछ भी होते हैं, सिर्फ वो चीज चले जाएंगे अंदर, बाकी हेलो स्टॉप कर दे। गाइस अब हम जा रहे हैं दूसरी एक्सरसाइज करने, मतलब कि लेग्स की, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ जैसे आपने देखी होगी जो भी मशीन थी लटकने वाली थी, ठीक है, अपना नॉर्मली थी, हाइट वगैरह के लिए, चिन-अप्स के लिए, बहुत सब एक्सरसाइज थी यहाँ पे, मतलब मशीन अलग अलग लग गई है। और भी बहुत बड़ा है कि वही पार्क है, ठीक है, बाकी जो मैंने आपको वीडियो डाल दी है कि ठीक है, अपना यहाँ का ड्रंसी का सबसे बड़ा पार्क यही है, ठीक है, यहाँ मशीनें भी हैं, घूमने फिरने का भी है, बाकी एक वीडियो हो रहा है यहाँ की जिसमें वो क्या कहते हैं रिपब्लिक डे से एक दिन पहले का 13 जुलाई का, ठीक है, 13 जुलाई की वीडियो है वो भी चेक कर लेना, फायरवर्क्स वाला जिसमें क्या कहते हैं हाँ पटाखे वगैरह जलाए गए थे, एंजॉय किया गया था, जिसमें मैं डांस भी कर रहा हूँ। बाकी मेरी वो लेग्स की एक्सरसाइज, तो अब इसको भी कर लेते थोड़ा बहुत। तो गाइस वर्कआउट करने के बाद अब हम जा रहे हैं सीधा अपने घर की तरफ ही, तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी कुछ नहीं कह सकता मैं कि मैं ये मेरी मतलब कि कुछ टाइम के लिए मेरी लास्ट वीडियो होगी ये, ठीक है, मतलब आर्मी में जाने से पहले की, क्योंकि उसके बाद 4-5 महीने बाद ही शायद मेरी वीडियो आएगी, ठीक है, अब की उम्मीद ये है कि मैं वहाँ ज्वाइन हो जाऊँ, ठीक है, तो मिलते हैं सीधा, जो भी होएगा जैसे भी होएगा, बाकी फ़िलहाल मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि जब तक मैं अपना आर्मी से ज्वाइन होके आऊँ, ठीक है, यूनिफॉर्म डाल के आऊँ 3-4 महीने बाद, उस टाइम और मैं अपना फ़ोन ऑन करूँ तो मुझे अपने 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट और मेरा वॉच टाइम 40,000 घंटे, नहीं 4,000 घंटे कंप्लीट हो हुआ मिले, तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करूँगा, ठीक है, तो जितना हो सके मेरी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, जितना हो सके अपने इस भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, उम्मीद करूँगा कि आप जरूर करेंगे ऐसा अपने हरियाणा वाले भाई को, इंडिया वाले को, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर करेंगे, ठीक है, तो इतना ही अभी फ़िलहाल के लिए, बाकी जो भी होगा महीने बाद 2 महीने बाद जब भी मेरे को फ़ोन जैसे भी मिलेगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपको सब कुछ बताता रहूँगा कि कैसे कैसे मैंने कैसे स्ट्रगल किया, जो भी होएगा बताऊँगा, तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, लविंग, ठीक है, एंड लव यू टू ऑल, एंड आई मिस यू, ठीक है, आई विल मिस यू फॉर, बस इस टाइम मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है कि कितने दिनों बाद मैं 4 महीने कैसे रहूँगा अकेला, बाकी सपोर्ट करते रहना, थैंक यू। तो थैंक यू, बस ये है कि आपसे सपोर्ट करते रहना, मुझे भूल मत जाना, ठीक है, अपना सपोर्ट, आप सभी का सपोर्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए, ठीक है।
फिलहाल के लिए इतना ही, आपको वाइफ सीधा मिलेगा, उम्मीद है आर्मी बनकर ही मिलेगा, वन मैन आर्मी बनकर ही मिले, ठीक है। अब हम यही उम्मीद करेंगे और आपको, आपसे भी उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग मिले दुआ करेंगे, ठीक है, कि मैं जल्दी जल्दी आर्मी में ज्वाइन होकर आप लोगों के पास आऊँ दोबारा से, ठीक है। तो मिलते हैं उसके बाद ही, थैंक यू।